हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं हम लोग के एग्जामिनेशन में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको क्या दिया रहेगा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिया गया है साइन थीटा, और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, जैसे ये वाले रेशियोज, आपको पता है एक है साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, ठीक, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टैन थीटा, और एक होता है आपका इसी के, ये तीन हो गए ऊपर वाले साइन कॉस टैन, इसी के अलावा इसके जस्ट अपोजिट वाले होते हैं, जैसे साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा के बाद आता है आपका कॉस वाला, कॉस का उल्टा होता है सेक, एक होता है सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है आपका कॉट थीटा जो कि जस्ट उल्टा होता है आपके टैन का, ठीक है। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है साइन थीटा, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 11/15, और बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं, जो कि है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ओके। इसको कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको डेफिनेटली इसके अंदर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है साइन थीटा, पता है, तो हमें निकालना है कॉस थीटा इक्वल टू, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस हो गया, फिर दूसरा है आपका टैन थीटा इक्वल टू कॉस टैन, फिर उसके बाद आता है आपका कॉस टैन, फिर उसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ओके, ये हो गया कॉसेक। अब हो गया आपका sec, ये हम इधर वाल sec थीटा लिख दे रहे हैं, ओके, sec के बाद आता है आपका cot थीटा, क्लियर। तो ये आपके फाइव हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, एक तो हमें पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना होगा sin थीटा क्या होता है। तो sin थीटा क्या होता है दोस्तों, sin थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज, पीछे परपेंडिकुलर और ऐसे हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, कुछ इस तरह से देखिए, मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, ओके, तो इसमें तीन साइड्स होती हैं, आपको पता है, ये जो आपकी परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एरो मेरा देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ओके, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ओके, जो ये बेस वाली लाइन है नीचे वाली, आप देख रहे हैं ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्लैंटिंग लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं आपका हाइपरटेन्यूज, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, रुक, इतना तो पता है आपको। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या है आपका 11/15, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर का हाइपरटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 11, यानी परपेंडिकुलर है 11, ओके, और जो हाइपरटेन्यूज है वो है 15, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज। तो देखिए दोस्तों, हमें तो यहाँ पे बेस पता नहीं है, तो हमें बेस को पता करना होगा, तब जाके हम लोग बेस लिखेंगे हाइपरटेन्यूज, 15 पता है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों फाइंड करेंगे हम लोग बेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि कॉस थीटा बी अपॉन एच, ये तो इसके लिए मैंने एक एनालॉगी बनाई थी, वो थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है, ये है, ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके टैन को, इसी तरह से नीचे वाला ये कॉसेक को, ये कॉसेक को, और ये सेक को, और ये कॉट को। जैसे साइन आपसे पूछे, साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपर टेन्यूस, इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कॉस क्या होता है, तो कॉस के नीचे क्या है, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज, इस तरह से टैन क्या है, तो टैन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, इस तरह से नीचे वाली कॉस है ना, तो कॉस क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, कॉसेक, सॉरी कॉसेक, कॉसेक, ये सी देख रहे हैं, तो ये है कॉसेक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ओके, तो कॉसेक का जस्ट उल्टा क्या है, हाइपरटेन्यूज अपॉन का बेस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज, तो इस साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपरटेन्यूज अपॉन का परपेंडी कुलर, क्लियर। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो sec है, sec जस्ट उल्टा है आपके बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज का, तो ये हो जाएगा हाइपरटेन्यूज अपॉन का बेस, तो sec हो जाएगा आपका हाइपरटेन्यूज अपॉन का बेस, क्लियर। इसी तरह से आपका जो cot है, cot हो जाएगा बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, बेस अपॉन का
परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पर बेस नहीं पता है, तो हमें बेस फाइंड कर लेना है। इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करके नीचे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, इस तरह से आप लोग कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिख देगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर देखिए पाइथागोरस कहता है कि एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस 15 है तो हम लोग 15 लिख देंगे और इसमें स्क्वायर लगा देंगे। बेस क्या है, बेस आपको नहीं पता है तो उसको हम लोग बी ही लेट कर लेंगे, उसमें स्क्वायर लगा देंगे। प्लस पी क्या है हमारा 11, 11 लिख लेंगे उसमें स्क्वायर लगा देंगे। 15 का स्क्वायर होता है आपके 225 एंड इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस 11 है आपका 121। देखिए 225 ये इधर होके इधर आएगा तो ये माइनस का 121 बन जाएगा। इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, मैं अस्यूम करके चल रहा हूँ। तो 225 में से 121 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 225 माइनस 121, तो आएगा हमारा आंसर 104। सही हूं ना मैं, यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 115 मल्टीप्लाई बाई 15, 225 माइनस का 121, तो आपका आ रहा है 104। 104 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखिए, सॉरी 104 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब बेस आएगा तो बेस है और इक्वल टू 104 लिखा है। तो देखिए जब हमें पता है यहाँ पर जब ये स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटने पर इधर वाल क्या लग जाता है, 104 में रूट लग जाता है। अब रूट निकालने इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे साइड में ऐसा फैक्टर कर लेते हैं 104 के, यहाँ पर 2 से ले जाएंगे तो 25 जा 22 जा, फिर ले जाएंगे यहाँ पर तो 22 जा 6 जा, फिर 21 जा 3 जा, फिर 13 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√26। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 और 13 का नहीं मिल गया, तो 2 और 13 क्या हो गया, 2 3 6 2 2, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√26। आई होप इतना क्लियर आपको हो गया होगा, क्लियर। अब मैं आप ये चीजें इरेज कर देता हूँ, ओके, ये फालतू की चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये गया आपका एंड ये इसको, ये पूरा नहीं जाना चाहिए, हल्का सा ज़्यादा जाइए, ज़्यादा सही है। एंड ये आपका डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये ओके, और ये आपको पता चल गया कैसे आया है। अब हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ओके। हमें पता चल गया 2√26 आया है, इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ दोस्तों, और मेरा जो ये है इसको ड्रैग करके उधर ले जाऊंगा मैं, इसको हमने यहां पे रख दिया है, ठीक है। और बेस की वैल्यू क्या आई थी, बेस की वैल्यू आई थी आपकी 2√26, क्लियर। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहां पर बेस होता है आपका कॉस थीटा होता है बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका क्या है 2√26 और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 15 हो गया, 15 ये वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से आपका टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 11 एंड बेस है आपका 2√26। इसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपरटेन्यूस अपॉन का परपेंडिकुलर, तो हाइपरटेन्यूस क्या है आपका 15 एंड परपेंडिकुलर इज 11, क्लियर। सेक थीटा आपका होता है आपका जस्ट हाइपरटेन्यूस अपॉन का बेस, तो हाइपरटेन्यूस क्या है 15 इक्वल टू लिख देते हैं 15 और बेस क्या है आपका 2√26। इसी तरह से कॉट थीटा होगा बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, बेस है आपका 2√26 एंड वो परपेंडिकुलर है आपका 11। तो इस तरह से दोस्तों हमने बाकी के बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको फाइंड कर लिया विद वेरी ईजी मैथड। ये बहुत ही ईजी मैथड है, ये आते हैं आपके 3-4 नंबर में बोर्ड के बेसिक क्वेश्चन से, तो इस पर प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पे डायग्राम बनाते वक्त यहाँ पर इसको यूं करके इसको थीटा लेट
कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थीटा होता है, ये एक्चुअल में ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू क्या है? थीटा। थीटा यानी कुछ एंगल रहा है ये, ठीक। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों अपने क्लास फेलोज के साथ, ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके, क्यों? ठीक, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।